तुम्हें अकाउंट सेटलमेंट के नाम पर रिश्वत मांगने के आरोप में सीबीआई ने आयकर विभाग और एक सीए समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग एक किसान के अकाउंट सेटल करने के लिए रिश्वत मांग रहे थे। अकाउंट में सेटलमेंट करने के नाम पर रिश्वत मांगने के आरोप में एक आयकर अधिकारी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। डीएसपी के नेतृत्व में पंचकुला से आई सीबीआई की टीम आयकर अधिकारी और एक सीए सहित तीन लोगों को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई। बताया जा रहा है कि रतिया के एक व्यक्ति ने सीबीआई को शिकायत देकर बताया था कि आयकर अधिकारी सीबी नारंग उसका अकाउंट सेटल करने के नाम पर उससे रिश्वत की मांग कर रहा है। उसने बताया कि वो किसान है, साल 2010 के दौरान उसके अकाउंट में कुछ गड़बड़ी हो गई। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने अकाउंट के सभी दस्तावेज विभाग के अधिकारी के पास जमा करवा दिए। आरोपी के आयकर अधिकारी ने उसे परेशान करते हुए उसके पास नोटिस भेजना शुरू कर दिया और फोन पर भी उसे परेशान किया। मेरा 2010-11 का केस था। कोई मैंने अकाउंट के अंदर पेमेंट चली गई थी, कोई फालतू एक साल का रिकॉर्ड उठा रखा था इनकम टैक्स विभाग ने, उसका मुझे नोटिस गया था। मैं एक जिम्मेदार पर प्रतिजीवी हूँ और छोटी दुकानदार करता हूँ, और जो मेरा अकाउंट था जिम्मेदार था उसके, मेरे जे फार्म वगैरह सारा कुछ थे। मैंने पहला सीबीआई से और सॉरी इनकम टैक्स मैं दिखा के गया भी, ऐसे ऐसे मेरा प्रपंच बनता जी इसको ठीक कर दो। उनके बाद चलो जी बात चलती रही। अब इन्होंने 15 दिन पहले मेरे पे इतना दबाव बना दिया कि आपको 12 लाख रुपया जुर्माना लगेगा, नहीं 8 लाख तो लगने लगेगा। उसके बाद मैं जब मेरे दफ्तर से फ़ोन गया, नोट से गया मेरी दुकान पर, इनकम टैक्स विभाग वाले दे के आए भी आपको जल्दी नारंग साहब से मिलवा के, फिर फोन गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि मामला सेटल करने के लिए आयकर अधिकारी ने पिछले दिनों उसे फतेहाबाद के एक सीए से मिलने को कहा। उसने बताया कि जब वो फतेहाबाद के सीए सुशील सिंगला से मिलने गया तो सीए ने उसके पेपर देखने के बाद मामला 1 लाख रुपए में सेटल करने की बात कही, जिसके बाद मामला 75,000 रुपए में सेटल हो गया। इस बीच उसने मामले की शिकायत चंडीगढ़ सीबीआई कार्यालय में दे दी थी। जब वह आयकर अधिकारी को 50,000 रुपए देने पहुंचा तो सीबीआई की टीम ने मौके पर छापा मारकर अधिकारी और एक सीए सहित तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कहते जय पेपर लिया, वो ले गया, मैं पेपर वगैरह दे दिया इनको। उसके बाद जी क्या हुआ, बाद में इनकी 1 लाख रुपया रिश्वत मांगी। मैं बहुत कह जी रिश्वत बहुत ज़्यादा है, मेरे कागज पत्र सारे सही हैं, सेटलमेंट जी इन्होंने मेरी 75,000 में कर दी। 75,000 मैं दे नहीं पा रहा था जी, ये बार बार मुझे कंकरेज में कहा जी मेरे पास 50,000 बने हैं जी। ये फिर रात बाबू जी नारंग साहब कहते 50,000 रुपया लेके आओ जल्दी। मैंने फिर 50,000 रुपया रात इनको दे दिए जी। किसको दिए थे 50,000? हाँ नारंग साहब अपने घर पे, सुशील नारंग को, सुशील नारंग जी जो अफसर हैं बड़े। फिर उसको 50,000 रुपया जो रिश्वत थी, रिश्वत तौर पर लिया। कोई कहते तेरा शोल्डर नहीं, कह रहे तेरा केस ऐसा बना देंगे तुझे 8 लाख भरना पड़ेगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर सीबीआई के किसी भी अधिकारी ने जानकारी नहीं दी है, लेकिन सीबीआई की इस दबिश ने हड़कंप जरूर मचा दिया।